मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा और कलवा के बीच आज सुबह चलती लोकल ट्रेन से 3 लोग नीचे गिर गए, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चलती लोकल ट्रेन से नीचे गिरने वालों के नाम हैं इम्तियाज गुलाम हैदर शेख 42 साल और अबू ओसामा 23 साल। ये दोनों मुंब्रा के अमृत नगर के रहने वाले हैं और दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि हाजी रईस अहमद 53 साल जिनकी मौत हो गई है, ये उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले थे और मुंब्रा में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने मुंबई से आए थे। घायल दो लोगों का इलाज कलवा शिवाजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि ये तीनों लोग दो अलग अलग ट्रेनों से कलवा और मुंब्रा के बीच खारे गांव फाटक के पास चलती लोकल ट्रेन से नीचे गिरे थे। ये घटना आज सुबह करीब 9 और 10 के बीच में हुई है। दरअसल सुबह 7 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक लोकल ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है। पहले से ही मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन कल्याण की तरफ से भर के आती है। मुंब्रा में ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, मगर इसके बावजूद ऑफिस और कंपनी में काम करने वाले लोग मजबूरन ट्रेनों में जगह बनाकर चढ़ पाते हैं, जिसमें काफ़ी लोग गेट पर ही लटक जाते हैं, अंदर जाने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। इसी तरह से आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। इम्तियाज और अबू ओसामा और हाजी रईस भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लोकल ट्रेन के अंदर नहीं जा पाए और कलवा पहुंचने के पहले ही दो अलग अलग चलती हुई लोकल ट्रेनों से ये तीनों लोग नीचे गिर गए। हाजी रईस अहमद की घटना स्थल पर ही जानकारी के मुताबिक दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि ओसामा के सिर में गंभीर चोट लगी है और इम्तियाज के सिर में भी चोट लगी है और हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ मौके पर पहुंच गई और कलवा शिवाजी अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है, जबकि इस हादसे में हाजी रईस अहमद की मौत हो चुकी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।